वफादारी दे नाल करन दे आवा। आज परमेश्वर अनुसारियां नू एक सवाल पूछन दे आवा कि ताडा और मेरा जीवन कितना दा वा, जेड़ा अधिकार परमेश्वर ने तानू और मैनू दिता वा अही उहदे विच वफादार दास बने या के शैतान दियां इच्छां नू पूरी करन दे आगे। ओ भैण और भराओ, परमेश्वर दे वचन विच लिखिया वा कि जेड़ा दास अपनी मनमानी करूगा तो उहदा मालिक उह दिन आऊगा जिदन उन्हें सोचा वा ना होगा। ओ भैण और भराओ, जे मालिक आ गया वापस, जे उन्हें तुहानू शराबखाने विच वेख लिया या गालां कढ़ दे वेख लिया या किसी दे बारे विच बुरा सोचते हुए वेख लिया या उन्हें तुहानू लड़ाई झगड़े करते वेख लिया, तो भैण और भराओ जिन्ना भी अधिकार उन्हें दिता वा मालिक ने वह सारा ढड को लै लिया जाऊगा। ओ भैण और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा, ताडा और मेरा जीवन कितना दा वा, आई विश्वास योग दास बने हैं या अपनी मनमानी करने हैं, अधिकार ते ले लिया वगा पर वो अधिकार दा गलत फायदा चुकन नहीं है। ओ भैण और भराओ, हुणे अजे वेख्या कि अधिकार मिलना बहुत ही वधिया गल है, बहुत ही धन्य दी गल है। ये अधिकार जिहड़ा वा हर किसी नूं नहीं मिलता, किसी एक नूं मिलता वगा। ओ भैण और भराओ, वो एक तुही जे, वो एक मैं वा। अज परमेश्वर नूं कहो, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं का, पर परमेश्वर तू मैनू अधिकार दिता, परमेश्वर तू मैनू ये मंडली दिती, परमेश्वर तू मैनू एक परिवार दिता, परमेश्वर तू मैनू ये बच्चे दिते, परमेश्वर तू मैनू ये काम दिता, पर मैं वफादारी दे नाल नहीं इहनू कर सकिया, मैनू माफ़ कर दे। जे प्रार्थना तू ही करोगे तो परमेश्वर तुहाडे जीवन नूं फिर तो एक करी बदलनगे और फिर तो तुहानू पवित्र आत्मा दे नाल भर के खड़ा करनगे अपनी महिमा वाहती। ओ भैण और भराओ, अज परमेश्वर पुछन दिया वा तू ही कहो जे दास बनना चाहते जे, विश्वास योग्य दास बनना चाहते जे, तू ही की सोचते जे, कितना जीना चाहते जे। जे कोई सानू वेखन दिया वा तो फिर अही परमेश्वर के दासां दी ओ नकल करने हैं कि अही पर बहुत ही वधिया दास हैं, कि जो अर कोई भी नहीं वेंदा अही फिर भी वफादारी दे नाल ही काम करन दे हैं। ओ भैण और भराओ, ये दास ने सोचा कि मेरा मालिक इत्थे नहीं आ, मैनू कोई नहीं वेखन दिया, मैं अपनी मनमानी करना वगा। ओ भैण और भराओ, अज परमेश्वर नू एक सवाल पूछन दिया वा, परमेश्वर दे आने विच अजे दूरी हैगी, मैनू कोई नहीं वेखन दिया, मैं अपनी मनमानी करूँगा, जे तू ही सोचते जे, तो भैण और भराओ परमेश्वर दा दास यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस दिन आउणगे जिदन अही तैयार भी ना हो। ओ भैण और भराओ, जिदन वह आऊगा वह सानू की करते पाऊगा, जे विश्वास योग्य दास बनांगे तो हुणू वह सानू अपने नाल लै के चल जूगा, जे ही विश्वास योग्य दास ना बनांगे तो सानू नरक की अग विच सुट दिता जाऊगा। ओ भैण और भराओ, जिहड़ा परमेश्वर ने सानू अधिकार दिता वा उहदू सही तरीके दे नाल उहदा इस्तेमाल करिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। ओ भैण और भराओ, शौल दे वल वेखो, उहदे जीवन दे वल वेखो, परमेश्वर ने उहनू अधिकार दिता, राजा बनाया, पर उहने अपने मालिक दी गल नहीं मन्नी, परमेश्वर दे आज्ञाकारी नहीं रहा, उहने अपनी मनमानी कीती, पूरे जीवन भर उहने अपनी मनमानी कीती, इस करके परमेश्वर ने उहनू छड्ड दिता। शौल ने परमेश्वर दी आज्ञा नहीं मन्नी, विश्वास योग्य दास नहीं बनिया रहा, इस करके उहदे तिन्ने बच्चे उहदे अखां दे सामने मारे गए। ओ भैण और भराओ, शौल दा राज जिहड़ा वा उद को लै लिया गया और जाके के होर नू दिता गया, क्योंकि वह विश्वास योग्य दास नहीं बनिया, अधिकार परमेश्वर ने दिता पर उन्हें गलत फायदा उठाया। ओ भैण और भराओ, जे अही भी विश्वास योग्य दास ना बनांगे, हर एक चीज़ का गलत फायदा चुकांगे कि मैनू कौन वेखन दिया वा, मैनू कौन को रोकण वाला वा, मैं इत्थे दा वड्डा वागा, मैं अपने परिवार दे विच वड्डा वा, मैं इन्हां दा माता पिता वा, सानू कोई कोई नहीं कुछ कह सकता, अही सब अधिकार विच आंगे। ओ भैण और भराओ, जे तुसीं इतना सोच दे जे ते अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा, ताडा और मेरा जीवन कितना दा वा, अही विश्वास योग्य दास बने हाँ या अपनी मनमानी करन दे हाँ, जो कोई सानू वेंदा वा उदो ही अही चंगी तरह काम करने हाँ, तो जो कोई सानू नहीं वेंदा तो उदो अही कुछ नहीं करते। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा, ताडा और मेरा जीवन कितना दा वा, विश्वास